फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन चैनल एवर एजुकेशनल हब में। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे डिसेबिलिटी पे। डिसेबिलिटी पे बात करने से पहले फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रमोट कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपकी समझ में अच्छी तरीके से आपकी समझ विकसित होगी डिसेबिलिटी के लिए। और ये ना केवल एकेडमिक क्लास के नजरिए से बल्कि कंपटीशन की तैयारी भी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। ये वीडियो निश्चित ही आपके लिए पावर बूस्टर साबित होने वाला है। तो हम लोग बात करते हैं डिसेबिलिटी पे। डिसेबिलिटी डी आई बी आई एस आई बी आई एल आई डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले दो से डिविजिबिलिटी, फिर तीन से, फिर चार से, ऐसे 11 तक डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, करते हैं। पहले दो से डिविजिबिलिटी देखते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ टू, डिविजिबिलिटी ऑफ टू। तो दोस्तों अगर हम दो से किसी नंबर को डिविजिबल करते हैं तो उसका रूल क्या होता है? यदि इकाई के अंक के स्थान पे यानी कि वंस के प्लेस पे अगर टू या जीरो या फोर सिक्स एट में से कुछ भी है तो संख्या पूरी दो से डिविजिबल होगी। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। अगर यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर जीरो टू फोर सिक्स एट में से कुछ भी है तो वह संख्या दो से पूर्णतया विभाज्य होगी। विभाज्य होगी जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं टू फोर जीरो, ये नंबर जो है पूरा टू से डिविजिबल है। टू वंजा टू, टू टूजा फोर, जीरो क्यों डिविजिबल है? क्योंकि इसके इकाई के प्लेस पे जो है वंस के प्लेस पे जीरो आया है। जैसे हम अगर ले लें थ्री थ्री जीरो, ये भी टू से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे वंस के प्लेस पे जीरो आया है। तो टू वंजा टू बचा वन, टू सिक्स ट्वेल्व, टू फाइव सा टेन। ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा लें अगर ऐसे ही हम कोई दूसरा नंबर ले लें जैसे टू फाइव या टू, ये भी नंबर जो है क्या है कि इसकी इकाई के प्लेस पे जो है वंस के प्लेस पे टू आया है, तो इसलिए ये भी टू से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, बचा वन, टू सिक्स जा ट्वेल्व। कहने का मतलब है अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर जीरो दो चार छ आठ में से कुछ भी आया हो तो वो नंबर जो होगा चाहे जितना बड़ा नंबर हो वो दो से पूर्णतया डिविजिबल होना ही है उसको। अगली डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं थ्री की।
अगली डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? यदि अंकों के किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल है, 3 से पूर्णतया डिविजिबल है, तो संख्या भी पूरी तरीके से डिविजिबल ही होगी। जैसे अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल में 2, 4, 6, तो ये डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं 2 + 4 + 6 करते हैं, तो 2, 4 और 6 का हम सम करते हैं, 2, 4, 6 और 6, 12 हुआ। अब 3 की टेबल में 12 आता है, 3, 4 से 12 होता है। अगर ये आपका सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर ही आपका डिविजिबल होगा। 3 8 = 24, 3 2 = 6, ये आपका डिविजिबल है। मान लीजिए यहाँ पे अगर 2, 4, 7 होता तो क्या है? अब ये नंबर डिविजिबल है 3 से, तो आप करोगे इसका पहले इसके जो डिजिट है उनका सम करेंगे हम लोग, 2 + 4 + 7, 4 + 6, 6 + 7, 13 हुआ, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो आपका नंबर होगा ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही आप कोई भी बड़ा नंबर लेके चेक कर सकते हैं। अब हम लोग 4 की डिविजिबिलिटी से आते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? इफ द नंबर मेड ऑफ टेंस एंड वंस प्लेसेस इज डिविजिबल बाई 4, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4। अगर इकाई, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल होती है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4 और फिर 4, 2। अब देखते हैं क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग पहले देखते हैं आप दहाई और इकाई से कौन सी संख्या बनी आपकी, 42 बना, 42 बना। अब देखना है क्या 4 से ये जाता है या नहीं जाता है। तो 4 की टेबल में 4 से ये डिविजिबल नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर जो आपका होगा
वो भी चार से डिविजिबल नहीं होगा। भाई 42 कहां से चार से डिविजिबल हो जाता है? चार से डिविजिबल ही नहीं होगा, तो आपका ये भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहां पे इसकी जगह 4 4 4 होता, तब आप देखते दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 44 हो गई आपकी, और ये 4 से उठता डिविजिबल है। 4 1 4 4 1 4, तो आपका ये नंबर जो पूरा है ये भी डिविजिबल होगा। 4 1 4 4 1 4, ठीक समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी 5 पर आते हैं हम लोग। ये ना सिर्फ एकेडमिक के नजरिए से बल्कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हमारे दोस्त उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी हमेशा आपके काम आती है, चाहे आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें उसके लिए ये एक बेसिक आधार होता है। तो यहाँ पे हम अगला डिविजिबिलिटी आप 5 पे आते हैं। 5 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता क्या होती है? यदि किसी संख्या के इकाई यानी कि वंश के प्लेस पे इकाई के स्थान पर 0 या 5 में से कुछ भी आए या कुछ भी हो, तो संख्या 5 से उड़ता विभाज्य होगी। विभाज्य होगी। अब हम देखते हैं एक कॉमन चीज हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप 5 की टेबल पढ़ते हैं तो 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25। अब आप देखेंगे कि हर बार 5 की टेबल में 5 0 5 0 5 हर बार यही रिपीट हो रहा है, 0 है या फिर 5 है, कोई तीसरा अंक आ नहीं रहा है, तो इसकी डिविजिबिलिटी होती है। अब यही से बन गई, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 में से कुछ भी हो तो वो संख्या 5 से उल्टा डिविजिबल होती है। तो हम लोग जैसे एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं जैसे 5 5 0 लेते हैं, या दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 3 4 0, तो 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि इसके इकाई के प्लेस में 0 है, इसलिए 5 5 5 5 5 और 0। अगर यहां पे मान लिया कि अगर 5 5 0 ना होकर के 5 5 2 होता तब क्या यह डिविजिबल था? 5 से डिविजिबल था तब तो बिल्कुल भी नहीं होता डिविजिबल, क्योंकि यहाँ पे 2 है, जबकि 5 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने आपको बताया कि इकाई के प्लेस पे जो है वंश के प्लेस पे 5 या 0 में से कुछ होना चाहिए। तो अब आप चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, आप एक पल में आप सोच सकते हैं कि ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं 5 2 4 5, अब ये आप देखिए डिविजिबल है, 5 से पूरा पूरा डिविजिबल है, क्योंकि इसके इकाई के प्लेस पे 5 रिपीट हुआ है, 5 आया है, तो 5 5 5 और 5 4 20, बचा 4 5 9 25 45। तो ये संख्या पूरी तरीके से 5 से डिविजिबल हो गई।
तो अगला अगर कोई ऐसे आ जाए जिसमें फाइव या जीरो रिपीट हुआ हो या इकाई के अंक पे फाइव जीरो आया हो, वो नंबर पूरी तरीके से फाइव से डिविजिबल होगा।